हेलो दोस्तों, आइए आज हम अपने मिस्त्री भाइयों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस नए वीडियो में हम आपको नई टेक्निक और नया तरीका बताएंगे काम करने का। अगर आप मिस्त्री हो या हेल्पर हो या मिस्त्रीगिरी सीख रहे हैं आप, या आपको मिस्त्रीगिरी करने की शौक़ है, तो हम आपको बताएंगे किस तरीके से करना है आपको। अगर आप मकान में दरवाज़ा रख रहे हैं तो किस तरीके से आपको रखना है। देखिए, अगर आपके पास इस तरीके का कॉलम है RTC और इसकी मजबूती पूरी बरकरार रखनी है, ये कहीं पर काट पेट तोड़ फोड़ ना हो, तभी कॉलम की मजबूती बरकरार रहेगी। और किस तरीके से आपको ये वाले दरवाजे जो हैं इनको किस तरीके से रखना है, देखिए किस तरीके से रखना है। देखिए, ये वाले दरवाजे देखिए रखे हैं और बिल्कुल सटीक सटे हुए रखे हैं, मजबूत तरीके से देखिए, और बिल्कुल ना तोड़ा गया है ना इनको फोड़ा गया है, कुछ भी नहीं किया है इसमें, और आराम से दरवाज़ा इसमें जाम है। ये तरीका हम आपको बताएंगे कि बिना तोड़े कहीं पर होल भी नहीं तोड़ना है, कहीं पर कॉलम भी नहीं तोड़ना है, और दरवाज़ा इसमें जाम हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको दरवाज़ा इसमें जाम करना है बिना कॉलम तोड़े और बिना कहीं पर छेनी हथौड़ी चलाए। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, जैसे कि ये दरवाज़ा 8.5 फुट का रखा हुआ है, इसमें आपको कॉलम तोड़ना नहीं है और किस तरीके से आपको इसमें दरवाज़ा जाम करना है। जैसे आप रस्सियों से इसे बांध लेंगे पहले, और उसके बाद में आप जिधर कॉलम नहीं होगा उस तरफ आप होलफांस लगाएंगे, जैसे इसमें लगे हुए हैं। देखिए, इसमें 4.5 फुट में 4 होलफांस लगे हुए हैं, देखिए, और इस तरफ होलफांस नहीं लगे हुए हैं बिल्कुल। और किस तरीके से आपको इसको सही सेट करना है और मज़बूत तरीके से, तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए, आपको कॉलम में अगर दरवाज़ा सेट करना है तो सबसे पहले आपके पास हैमर मशीन होनी चाहिए और ये 10 नंबर की बिट होनी चाहिए जो RTC कॉलम में सुराख करती है इसके, और इसको दरवाजे को आप साउंड कर लेंगे, पूरा लेवल कर लेंगे, उसके बाद में एक निशान यहाँ पे लगा लेंगे दरवाजे से, ऐसे कन्नी से खींच के, जैसे इसमें लगा हुआ है ऐसे आप कन्नी से खींच के निशान लगा लेंगे। इसमें निशान लगाने से ये पता चलेगा, जब मशीन आप चलाएंगे तब दरवाज़ा हिलेगा तो आपको पता चल जाएगा, इसलिए आपको निशान लगा लेना है, दरवाज़ा लेबल करके और साउंड करके खड़ा कर लेना है। ये बाद में हमने खड़ा कर लिया है, लेबल के लिए जो कुछ आपको आना है वो आ जाएगा। अब आप इसमें इस तरीके से सुराखी करेंगे, से आपको सुराख कर लेंगे। जैसे हमने इसमें 4 फास्टनर लगाए हैं और चारों में सुराख कर लिया है पहले से, अब इसमें बाद में सुराख कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके से आप तीनों में सुराख कर लेंगे, जो यहाँ यहाँ पे किए हैं सुराख में, आपको 4 लगाने हैं तो 4 जगह आप सुराख कर लेंगे, इस तरीके से सुराख कर लेंगे। देखिए, इस तरीके से आप तीनों में सुराख कर लेंगे, 1, 2 और 3 जो सुराख किए हैं, 1/4 ऊपर 4 सुराख हो जाएंगे आपके। अब इसमें आपको ये पिन वाला फास्टनर डालना है, पिन वाला फास्टनर, ये 3 सूट का है और इसमें इस तरीके से फंसना है आपको। देखिए, पिन वाला फास्टनर बोल्ट आप बाहर की तरफ रखेंगे और इसे ऐसे डालेंगे इसमें, ये जब इसके अंदर इस पर डालेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है इसका फट जाएगा और इसमें मजबूती बढ़ जाएगी, इसमें फट जाएगा तब ये निकलेगा बाहर। देखिए, अभी तो ये चिपका हुआ है, अभी ये चिपका हुआ है, जब ये पिन इसके अंदर जाएगी तो ये फट जाएगा। इस तरीके से इसको अंदर ठोक देगा ऐसे, लकड़ी के अंदर ठुक जाए बराबर, बिल्कुल जैसे ये बराबर है इस तरीके से बराबर ठुक जाए। अब इसमें ये वाला पिन डाल देना है, अब ये दरवाज़ा आपका बिल्कुल सेट हो जाएगा इस तरीके से। जब ये पिन इसके अंदर जाएगी तो ये टाइट हो जाएगा और ये दरवाज़ा आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा, इसमें कॉलम तोड़ना भी नहीं पड़ेगा और कॉलम की मजबूती भी बरकरार रहेगी। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए तो उसे सब्सक्राइब करें।